हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 50 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां पे आप लोगों के वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए। काफी शानदार तरीके से इस स्टॉक से हमें न्यूज देखने को मिला था जिसके वजह से इसमें काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिला। दोस्तों 50 का स्टॉक हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में 92 के अप्रोक्सीमेट ट्रेड करते हुए देखने को मिला है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों यहां से भी इसका प्राइस काफी आगे जाती हुई देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं MRPL लिमिटेड के रिगार्डिंग। दोस्तों यहां पे देख सकते हो आज के ट्रेडिंग सेशन में 5% के अप्रोक्स का हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा खासा है। दोस्तों बात करें पिछले 1 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक ने 30% से एबव का काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। हालांकि बात करें पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक ने 100% से एबव का जबरदस्त तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों यहां पे देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। दोस्तों जब स्टॉक प्राइस ओनली 50 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था, वहां से आप लोग वीडियो बनाकर डिस्कस किया था। दोस्तों इसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें न्यूज देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से इसमें काफी अच्छे खासा हमें रैली देखने को मिलेगा और 50 का स्टॉक हमें फिलहाल 100 के अप्रोक्सीमेट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस 160 के यानी कि 160 की भी क्रॉस करके आगे जाती हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 80% के अप्रोक्सीमेट जबरदस्त तरीके से मुनाफा दिया है। वहीं बात करें पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पे 30% के अप्रोक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे भी हमें काफी अच्छा खासा मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस 160 रुपए के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो, हमें रैली आगे भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे बात करिए आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना हमें खरीदारी होती हुई देखने को मिला है, तो यहाँ पे 28% से एबव का हमें डिलीवरी का पोजीशन देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें इसका 52 एक लो एंड हाई का, स्टॉक 1927 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से इस स्टॉक ने 100 के अप्रोक्स का आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें हाई देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों बात करें इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 10 रुपए देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे क्वार्टर का रिजल्ट का, तो यहाँ पे देख सकते हो Q4 का रिजल्ट इसका में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से इस स्टॉक में काफी अच्छा खासा हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। दोस्तों वही बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 88% से एबव का होल्डिंग है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों बात करें क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी तक काफी अच्छा खासा मुनाफा दिया है दोस्तों, और आगे भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करेंगे रिजर्व फंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग के सामने में यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों हालांकि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल रिजर्व फंड सरप्लस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे डेप्ट काफी अधिक है कंपनी के ऊपर। वही हम बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग में भी हमें पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल इंक्रीमेंट के साथ में फिगर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा है कंपनी के ऊपर डेप्ट। दोस्तों वही हम बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफी इंक्रीमेंट के साथ में फिक्स एसेट का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने में फिगर ये भी देख सकते हो 16,000 करोड़ से एबव का फिगर है, जो कि बात करेंगे सेक्टर के पीएसयू का, तो यहाँ पे 21.82 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीएसयू से इस स्टॉक का पीएसयू दोस्तों काफी निचले स्तर पे है, जिसके वजह से फ्यूचर में इसमें काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों इसका रेवेन्यू को रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रेवेन्यू का ग्राफ देखने को मिल रहा है,
इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें रेवेन्यू ग्राफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट का, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी इस साल का काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे क्वार्टर फोर्थ में कितना हमें सेल्स का फिगर देखने को मिला है, तो यहाँ पे क्वार्टर फोर्थ का सेल्स का जो फिगर है अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। दिसंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग है, डीए की होल्डिंग है, उससे पहले बात करें प्रमोटर का, तो यहाँ पे 88% से एफएफ का होल्डिंग है, जो कि एफआई एंड डीए की होल्डिंग कोई खास है नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों बात करिए अगर यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 80 रुपए के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में 160 रुपए के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।